हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। खाना खाते समय हमें कोई ना कोई चटनी तो लगती है, तो चलिए हम आज बनाएंगे लहसुन और खोबरे की सूखी चटनी। यह चटनी बनाने के लिए चॉप किया हुआ नारियल लिया है, यहाँ सूखा नारियल लिया है, लहसुन की 10-15 कलियाँ, स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा। गैस ऑन करेंगे, बर्तन रख देंगे। सबसे पहले डालेंगे लहसुन और सूखा नारियल, यह डालकर हल्का भून लेंगे। फिर डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद गैस को हमें ऑफ करना है। यह सब हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर मिक्सी को कंटिन्यू नहीं चलाना है, बल्कि ऑन ऑफ करते रहना है। चटनी ज़रा बारीक नहीं, दरदरी होनी चाहिए इस तरह से। और ध्यान रखना, चटनी हमें हवाबंद डिब्बे में ही रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।